दोस्तों स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे डीसी रेगुलेटेड ड्यूल पावर सप्लाई के बारे में। तो इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ट्रांसफार्मर से कैसे बनाते हैं और दूसरे तरीके में एसएमपीएस से कैसे बनाते हैं। तो मैंने पिछले 4 वीडियो डाले थे डिजिटल वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर के बारे में। तो इन मीटरों में इस पावर सप्लाई का यूज़ होता है और प्री एम्पलीफायर के अंदर भी इस पावर सप्लाई का यूज़ होता है, ड्यूल पावर सप्लाई का। तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था, ये विशाल जी शर्मा लिखते हैं, सर आपने सर्किट को -5 वोल्ट एंड +5 वोल्ट की सप्लाई कैसे दी है। तो मैं उन वीडियो के अंदर इस पावर सप्लाई के बारे में नहीं बता सका। तो आज इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैं पहले तरीके में आपको ट्रांसफार्मर से कैसे बनाते हैं, इसके लिए दो आईसी प्रयोग में लेंगे। तो एक है ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर 7805 है और दूसरी है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर, ये 7905। तो सबसे पहले 0 PCB पे इन 4 डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे और फिर इनको इस पे लगा देंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अब इस 0 PCB के अंदर सभी कंपोनेंट को लगा दिया है और इनकी वायरिंग भी हो गई है अच्छे से। अब इसका मैं सर्किट डायग्राम भी दिखा देता हूँ। सर्किट डायग्राम में यहाँ पर 909 का ट्रांसफार्मर लग रहा है जो यहाँ से एसी 230 वोल्टेज सप्लाई देंगे और ये आउटपुट के अंदर 909 है, बीच वाली टेपिंग 0 वोल्ट की है और ये दोनों 9 वोल्ट की, और ये इसका ग्राउंड भी है 0 वोल्ट की टेपिंग का। और यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका प्लस वाला सिरा 7805 की पिन नंबर 1 पे है और इसके आउटपुट पिन नंबर 3 है जो प्लस का 5 वोल्ट आउट करेगी। और आउटपुट के अंदर यहाँ पर दो कैपेसिटर लगा रखे हैं, एक ये और एक ये, यानी 1000 माइक्रोफेरेड 16 वोल्ट का है और ये नेगेटिव वोल्टेज के लिए 7905 है। तो यहाँ से इसकी पिन नंबर 2 पे माइनस की सप्लाई देंगे और पिन नंबर 1 ग्राउंड और पिन नंबर 3 इसकी आउटपुट है। तो अब इस ट्रांसफार्मर को एक 909 के ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर लेते हैं। इसका वाइट वाला 0 वोल्ट की टेपिंग है और ये दोनों ग्रीन 9 वोल्ट की टेपिंग है। पावर को चालू कर देते हैं और मल्टीमीटर से एसी वोल्ट में टेस्ट करेंगे। पहले ये 9 वोल्ट आ रहा है इधर और ये भी 9 वोल्ट और यहाँ पर दोनों पे 19 वोल्टेज। अब आउटपुट में भी टेस्ट कर लेते हैं डीसी वोल्ट पे। ये जो बीच वाला है इसका ग्राउंड है और ये यहाँ पर -5 वोल्ट आएगा और यहाँ पर +5 वोल्ट। तो यहाँ पर 9495 वोल्टेज आ रहे हैं प्लस के और इस जगह पर 498 वोल्टेज आ रहे हैं माइनस के। और दोनों पे टेस्ट करेंगे। ये तरीका तो हो गया इसका ट्रांसफार्मर का। अब मैं आपको एसएमपीएस का भी दिखा देता हूँ। अब ड्यूअल पावर सप्लाई बनाने के लिए दूसरा तरीका और है। इसके लिए अपन एक एसएमपीएस ले लेते हैं, यानी ये फ्री डिस्क का एसएमपीएस है और ये चालू वालत के अंदर है। तो इसकी जो आउटपुट वाइंडिंग आती है ये कई प्रकार से आती है इसमें, तो इसके अंदर दो ही वाइंडिंग करेंगे अब। तो इस ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग जो पहले हो रखी है इसको रिमूव करेंगे और इसको दोबारा से रिवाइंडिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए दो वाइंडिंग प्रयोग में लेंगे इसमें आउटपुट के अंदर, एक 5 वोल्ट माइनस के लिए और एक +5 वोल्ट के लिए। तो इसको रिमूव कर लेते हैं और वाइंडिंग करते हैं। इस ट्रांसफार्मर के अंदर
जो पहले की वाइंडिंग थी उसको अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे, उसके लिए एक 36 नंबर का वायर लेंगे और वायर को इंसुलेशन को पहले रिमूव कर लेते हैं। अब इसमें प्राइमरी का जो जहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं इस वाले पिन पे। अब इसमें 110 टर्न लगा लेते हैं। अब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो गई है और इसको अभी SMPS के अंदर लगा लेते हैं। लगाने से पहले एक यहाँ पर डायोड और लगा लेते हैं नेगेटिव वोल्टेज के लिए। ये वाली पॉजिटिव वोल्टेज के लिए है और ये नेगेटिव वोल्टेज के लिए। और इस ट्रांसफार्मर को भी अब सोल्डरिंग कर लेते हैं इसको यहाँ पर। SMPS के अंदर ये ट्रांसफार्मर को भी लगा दिया है और सारी इसकी सोल्डिंग हो गई है और सभी को अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसके सर्किट डायग्राम को भी एक बार देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम में ये सर्किट है जो पहले जो ट्रांसफार्मर का बनाया था उसका है और अभी ये SMPS का सर्किट डायग्राम है। इसके अंदर जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है इस ट्रांसफार्मर की, इसके अंदर 36 नंबर वायर के 110 टर्न लगाए हैं और इसकी जो AUX यानी VCC सप्लाई जो पिन है इसकी 80/22 IC की, उसमें 15 टर्न है 36 नंबर के जो ऊपर ऊपर वाले वाइंडिंग है उसके हैं। और बाकी ये आउटपुट के अंदर 22 नंबर वायर के 4 टर्न है जो नेगेटिव 5 वोल्ट है उसके लिए और पॉजिटिव 5 वोल्ट के लिए भी 4 टर्न है 22 नंबर के। जो ये पॉइंट का निशान है यहाँ पर सभी वाइंडिंग के ऊपर जो इसके अंदर वाइंडिंग करते हैं, जो स्टार्टिंग का वाइंडिंग का जो पहला सिरा होता है
वो है ये पॉइंट का निशान। और आउटपुट के अंदर देखें, इसके अंदर या आउटपुट से एक फीडबैक लिया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है TL431। इसकी पिन नंबर 1 पे अगर 2.5 वोल्ट से ज़्यादा अगर अपरेंस आता है तो ये फोटोकपलर इस IC को अपने ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट कर देगी और यहाँ आउटपुट के अंदर वोल्टेज को नहीं बढ़ने देगी। जहाँ पे 2.5 वोल्ट का रेफरेंस सेट करते हैं उससे ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट में नहीं आएगा। तो इसको अगर आउटपुट के अंदर 5 वोल्टेज से अगर ज़्यादा करने हो इसके अंदर SMPS के अंदर, तो यहाँ पर जो 10K की रेजिस्टेंस है इसका मान बढ़ा भी सकते हैं, तो आउटपुट के अंदर वोल्टेज बढ़ जाएगा यहाँ पर। या फिर यहाँ पर जो 10K की रेजिस्टेंस है इसका मान घटाएंगे तो इसका आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये दो तरीके हैं इसके आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के। तो अब इस SMPS को टेस्ट कर लेते हैं एक बार। अब इसको सप्लाई को चालू करने से पहले सीरीज में ही लगाएंगे सप्लाई को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। वोल्टेज को 20 वोल्ट की रेंज में कर रखा है मैंने DC पे। ये जो सिरा है इसका ये नेगेटिव है यानी ग्राउंड है इसका, और ये पॉजिटिव है प्लस 5 वोल्ट और ये माइनस 5 वोल्ट। तो यहाँ पर 4.96 वोल्टेज आ रहे हैं पॉजिटिव में, और नेगेटिव में टेस्ट करते हैं तो 4.95 वोल्टेज आ रहे हैं। अब इसके आउटपुट को भी बढ़ा के एक बार देखते हैं। और तो यहाँ पर एक 10K का रेजिस्टेंस लग रहा है, इसके जगह पर एक पैरेलल के अंदर 10K का और लगा देते हैं तो इसके रेजिस्टेंस का मान 5K हो जाएगा। आउटपुट में वोल्टेज बढ़ जाएगा इससे। अब टेस्ट करते हैं एक बार, देखा पहले से ज़्यादा बढ़ते हैं वोल्टेज। अब यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर 7 वोल्टेज आ रहे हैं और नेगेटिव के अंदर भी 7.34, पॉजिटिव के अंदर 7.41, और दोनों में आपस में चेक करेंगे तो ये 14 वोल्टेज के करीब दिखाएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।